दोस्तों यहाँ पे रेणुका शुगर्स के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रेणुका शुगर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 36% गिरकर 829 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज वाइज यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, और उसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है वो और बढ़ चुका है, और जो टोटल लॉस यहाँ पे कंपनी को हुआ है वो हुआ है 241 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी को 44 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अराउंड 200 करोड़ का लॉस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें, तो उसके कंपैरिजन में भी यहाँ पे 36% से कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टरली बेसिस दोनों ही बेसिस पर यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज वाइज यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर लॉस की बात करें तो अभी 241 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल लॉस हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 39 करोड़ का लॉस हुआ था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ईयरली बेसिस पे भी अराउंड 200 करोड़ से कंपनी का लॉस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो कोविड की सेकंड वेव है, इसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और अगर हम बात करें तो स्टॉक में बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग भी हमें देखने को मिली है। अब देखिए इतना यहाँ पे लॉस कैसे बढ़ा है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए अगर कंपनी का रेवेन्यू 300 से 400 करोड़ रुपए अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, जो कंपनी के नॉर्मली जो एक्सपेंसेस है वो उतने ही रहने वाले हैं, तो वहां पे सीधी सी बात है कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए 7204 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें यहाँ पे नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर है ये फाइनेंशियल ईयर 22 का, और यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी हमें यहाँ पे नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो देखिए वो यहाँ पे 33 टाइम्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अट्रैक्टिव यहाँ पे रेणुका शुगर का स्टॉक नजर नहीं आता है। और अभी जो यहाँ पे लॉस अगर लगातार आने वाले 3 क्वार्टर्स में भी अगर रेणुका शुगर लॉस रिपोर्ट करता है, तो वहाँ पे कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो और कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो कंपनी के सरप्लस है वो कम होते चले जाएंगे अगर कंपनी लगातार लॉस रिपोर्ट करेगी। तो इसमें एक यहाँ पे अभी एक ये डाउट यहाँ पे बना हुआ है। अब देखिए अगर इस कंपनी की बुक वैल्यू देखिए तो कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पे ऑलरेडी यहाँ पे इनका जो बुक वैल्यू है वो नेगेटिव है, और अगर स्टैंड अलोन बेसिस पर अगर हम बात करें तो 1.01 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ ज़्यादा यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू नहीं है, और अगर लगातार यहाँ पे लॉसेज आएंगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे सीधी बात है बुक वैल्यू भी कंपनी की नेगेटिव होती हुई हमें नजर आएगी। अब ये देखिए अगर आप देखोगे तो ये इसके जो फाइनेंशियल्स अगर आप वो देखोगे तो ये देखिए 2017-18 में कंपनी लॉस में थी, यहाँ पर लॉस में थी, 2021 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया, इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट कर दिया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स में नजर नहीं आ रही है, और इसका रीजन ये है क्योंकि कंपनी के पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसकी वजह से जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें हमेशा लॉस में जाती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे 33.55 पे यहाँ पे रेणुका शुगर का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, और अभी अराउंड 45 का यहाँ पे स्टॉक ने हाई बनाया था, तो वहां से अराउंड 25 से 30% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो देखिए रेणुका शुगर की अगर हम बात करें तो मुझे पता है आने वाले टाइम पे ग्रोथ तो अवेलेबल है, पूरी शुगर इंडस्ट्री को अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंटिंग मार्केट ने ऑलरेडी कर चुकी है, क्योंकि इन बिजनेसिस को ये प्रूव करना बाकी है, जो इन्हें आने वाले टाइम पे जो इन्हें प्रूव करना है वो अगर चीज़ें वैसे नहीं जाएगी तो मार्केट जितने पॉजिटिव वे में इन स्टॉक को ऊपर लेके गया है, उतने ही बुरी तरीके से मार्केट वहाँ पर नेगेटिव वे में इन स्टॉक को नीचे लेकर जाएगा। तो इसीलिए एट दी एंड यहाँ पे कौन फंसेगा, रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगता रहेगा तो फिर आप अपना माल नहीं बेच पाओगे। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर पूरी प्रॉपर रिसर्च करके अगर आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है तो ही कीजिए, बाकी अगर कोई कह रहा है कि मुझे को इसमें इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ इसे
ऐसे जो टिप्स हैं इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न के कंपैरिजन में यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा मुझे नजर आता है। और अगर रेणुका शुगर की बात करें, आने वाले टाइम पे शुगर इंडस्ट्री के पास बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है, ग्रोथ यहाँ पे अच्छी लगती है, लेकिन इनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अपने ऑल टाइम हाई की अगर हम बात करें, जो वैल्यूएशन यहाँ पर अभी निकल कर आ रहे हैं बहुत क्रेजी वैल्यूएशन थे, खास करके रेणुका शुगर का वैल्यूएशन यहाँ पे बहुत ही, अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही कॉस्टली, भले 33 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बिल्कुल भी ये सही हमें नजर नहीं आता है। कम से कम अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो कम से कम मेरे ख्याल से 25 रुपीज पे यहाँ पे अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे टाइम ओरिजन होना चाहिए आपका कम से कम 5 साल का, और मेरे ख्याल से अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन देना चाहते हैं तो कम से कम 2-3% से ज्यादा का एलोकेशन मेरे ख्याल से इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ज्यादा रिस्की मुझे नजर आता है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि श्री रेणुका शुगर्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।